16 फरवरी को नेशनल हाईवे बंद करेंगे, एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर भारत बंद का ये ऐलान किया गया है। 13 फरवरी से किसानों का ये जो कूच शुरू हो जाएगा। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सरकार आईबी और पुलिस को इस पर भी ध्यान देना होगा कि किसानों की आड़ में कहीं अराजक तत्व ना आ जाए, क्योंकि पिछले साल दिल्ली में हिंसा हुई थी ये भी हमने देखा था पहले। इनफैक्ट अरविंद, आपकी एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं दर्शकों के बीच में, जो कि आपने भेजी थी थोड़ी देर पहले, दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर इस सवाल के साथ वापस आते हैं आपके पास। पंजाब और हरियाणा से किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है, जिसको लेकर एक खुफिया रिपोर्ट भी तैयार की गई है। आज तक के पास वो खुफिया रिपोर्ट की कॉपी है, जिसके मुताबिक 15,000 से 20,000 किसान तकरीबन 500 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की सीमा के अंदर दाखिल होंगे। इसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं, और अगर आप यहां पर देखें तो बकायदा एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बूथ बनाया गया है। उसके अलावा इस तरह के जो कंक्रीट वायर हैं, वो यहां पर लाए गए हैं बड़ी संख्या में, जो धीरे धीरे करके सड़कों पर लगाए जाएंगे। अगर हरियाणा और पंजाब को किसी भी तरीके से जो किसान है वो क्रॉस कर जाते हैं, हालांकि हरियाणा और पंजाब की पुलिस पूरी तरह से ये कोशिश करेगी कि उनको हर हाल में दिल्ली के बॉर्डर के अंदर दाखिल न होने दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो दिल्ली की सीमा में दाखिल होते हैं तो उसको रोकने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। अगर यहाँ पर देखें तो सिंधु बॉर्डर पर बाकायदा तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बैरिकेड्स वो लगाए जा चुके हैं, और इसके अलावा जो छोटे बड़े क्रेन हैं अगर देखें यहाँ पर, तो उनको यहाँ पर खड़ा किया गया है। उसके अलावा बड़े बड़े कंटेनर वो यहाँ पर लाए गए हैं। अगर सड़क जाम करने की स्थिति होगी तो ये जो क्रेन है उनको मेन सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, जिससे जो पूरा बॉर्डर है वो सील हो जाएगा। बकायदा जो सीक्रेट रिपोर्ट है, जो खुफिया रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि किसानों ने एक नहीं बल्कि 15 से 20 बार हरियाणा और पंजाब में ट्रैक्टर के साथ रिहर्सल की है। वो रिहर्सल 13 फरवरी को लेकर है। खुफिया रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कई किसान जो एजेंसीज हैं उनको गच्चा देते हुए गुपचुप तरीके से मेट्रो से, रेल से, बसों से दिल्ली के अंदर दाखिल हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि अगर किसान दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए तो वो प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री आवास और कृषि मंत्री आवास के बाहर भी धरना दे सकते हैं। उसके अलावा बड़े पैमाने पर राशन पानी लेकर हरियाणा और पंजाब से किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इसको लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में आ गई है। कैमरामैन अभिषेक बई के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।